हाय, दिस इज अली रजा एंड वेलकम टू द फिजिक्स। आज का मेरा ये लेक्चर चार हिस्सों में मुश्तमिल होगा। सबसे पहले गाजीज ला, ठीक है, गाजीज ला की एक्सप्लेनेशन, गाजीज ला का प्रूफ, गाजीज ला की फर्स्ट एप्लीकेशन और उसके बाद उसके एमडी कैट के एमसीक्यूज। आपने देखा होगा पिछली किस्तों में भी, मैं जब भी कोई लेक्चर पढ़ाता हूँ पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद उसके एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज सॉल्व करता हूँ। इससे बच्चे को एंट्री टेस्ट की अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती, एक लेक्चर के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। अच्छा जी, गाजीज ला देखिए ज़रा क्या है। गाजीज ला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε₀ टाइम्स टोटल चार्ज इन क्लोज इन इट। क्या मतलब है इसका? कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज पड़ा हो, किसी भी सरफेस के अंदर जितना चार्ज पड़ा हो उसको 1/ε₀ टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो उस सरफेस का क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। अनदर डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, चार्ज ओवर मीडियम या चार्ज ओवर ε₀ की जो रेशियो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए ज़रा। गाजीज ला जो है ये बिल्कुल उसी तरह ला है जिस तरह कूलम्स ला है। कूलम्स ला भी एक फंडामेंटल ला है, गाजीज ला भी ये क्या है? फंडामेंटल लॉ है। गाजीज ला चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की के दरमियान रिलेशन को क्या करता है? डिस्कस करता है, ठीक है। और कूलम्स ला भी क्या करता है? चार्ज और फोर्स, फिर फोर्स है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रिलेशन को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। गाजीज ला का एक फ़ायदा ये है कि इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी क्लोज सरफेस की हम क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एक्सप्लेनेशन देखें। लेट अस कंसीडर वी हैव अ आर्बिट्रेरी शेप, ठीक है, इन विच एन नंबर ऑफ चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है। हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, उसके अंदर क्या है? एन नंबर ऑफ चार्जेस क्या है? प्लेस्ड किए हुए हम लोगों ने, ठीक है। चार्ज क्या करेगा? अपना फील्ड बाहर की तरफ क्या करेगा? फेंकेगा। अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। एन नंबर ऑफ पहले चार्ज की वजह से फ्लक्स जो होगा फ्लक्स वन, दूसरे चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स टू, तीसरे चार्ज की वजह से क्या होगा? फ्लक्स थ्री, और एंथ चार्ज की वजह से क्या होगा? फ्लक्स एंथ। जिन लोगों ने मेरा पिछला आर्टिकल पढ़ा है उन्हें ये आर्टिकल बड़े ही ईजिली क्या होगा? एक्सप्लेन होगा। फर्स्ट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा फाइव क्यू ओवर ε₀, दूसरे चार्ज की वजह से Q2/ε₀, तीसरे चार्ज की वजह से Q/3/ε₀, और nth चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? Qn/ε₀। अब यहाँ से 1/ε₀ हम क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, और पीछे क्या आ जाएगा? सारा चार्ज, कौन सा चार्ज? जो सरफेस के अंदर क्या है? इनक्लोज है, ठीक है। सरफेस के अंदर क्या है? उस चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे? टोटल चार्ज। उसे Q से क्या कर दिया? डिनोमिनेट कर लिया। इसका क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। टोटल चार्ज, चार्ज ओवर जो मीडियम की रेशियो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ε₀। मीडियम इन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये तो हो गया गाजीज ला। अब गाजीज ला को जब हम लोगों ने क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए हमें क्या है? अप्लाई करके हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं? अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी सरफेस की क्या कर सकते हैं? शॉर्टेस्ट इजिएस्ट वे से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या है? गाजियन सरफेस। सबसे पहले मैं बता दें गाजियन सरफेस डियर स्टूडेंट एक इमेजिनरी होती सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है, और इसको हम वहां पर ड्रा करते हैं जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो या जो हमारा एरिया ऑफ क्या हो? इंस्टॉल्ड हो। अ गाजियन सरफेस इज एन इमेजिनरी। पहले नंबर पर क्या है? यह सरफेस कौन सी है? इमेजिनरी। दूसरे नंबर पर क्या है? क्लोज सरफेस है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? आर्बिट्री शेप। इसकी कोई भी आर्बिट्री शेप होती है विच पासिस थ्रू अ पॉइंट, इसको उस पॉइंट से हम रखते हैं वेयर वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने क्या करना हो? कैलकुलेट करना हो, वहां पर हम क्या करते हैं? गाजियन सरफेस ड्रा करते हैं। इस ये कोई रियल सरफेस नहीं होती बल्कि क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होती है। एप्लीकेशन ऑफ गाजीज ला। आज हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गाजीज ला। कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले हमें ये
फॉलोइंग स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे लाजमी तौर पर लिखने करेंगे। अगर हम इनको लिख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गाजीज़ला हम इजीली क्या कर सकते हैं, गाजीज़ला की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी क्लोज सरफेस की हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जरा, फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व टू फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग द गाजीज़ला। सबसे पहला स्टेप, ड्रा गाजियन सरफेस। सेकेंड स्टेप, फाइंड चार्ज इनक्लोज द गाजियन सरफेस। थर्ड स्टेप, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस बाय ई डॉट ए। किस फार्मूले से आपने फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ई डॉट ए। कंपेयर द फ्लक्स विद गाजीज़ला, आपने क्या करना है, गाजीज़ला को इस फार्मूले से क्या करना है, कंपेयर करना है। ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है निकल आएगी। अभी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर। फर्स्ट एप्लीकेशन गाजीज़ला की क्या है, फर्स्ट है, लेट अस कंसीडर, मेरे पास क्या है, एक हॉलो चार्ज स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका अपना रेडियस क्या है आर। अब मेरे पास पहला स्टेप क्या होता है, गाजियन सरफेस। मैंने क्या किया, ड्रा द गाजियन सरफेस। गाजियन सरफेस आपको बताया था कहां पर ड्रा करते हैं, जहां पर आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो। तो ई की वैल्यू मैंने क्या कहा है, इन साइड। तो मैं गाजियन सरफेस क्या करूंगा, इन साइड मैंने ये गाजियन सरफेस ड्रा कर दी, ये वाली ग्रीन मार्कर से क्या है शो हो रही है। इसका रेडियस आर डैश, ओवरऑल सरफेस का रेडियस आर, आर डैश लेस देन क्या है आर से। इसका मतलब क्या है कि गाजियन सरफेस इनसाइड है। नंबर टू स्टेप, चार्ज फाइंड आउट करना है। देखो जरा डायग्राम में, अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। नंबर थ्री स्टेप, आपने क्या करना है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस बाय ई डॉट ए। तो आपने फ्लक्स ऑफ हॉलो चार्ज गाजियन सरफेस का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, इक्वेशन नंबर इसे क्या कह लिया, वन कह लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाजीज़ला, गाजीज़ला क्या कहता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन आर की रेशियो किसके इक्वल होती है, फ्लक्स से इक्वल, ये आ गया। दोनों को कंपेयर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल और राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगी, इक्वल। ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन आर। हमें पता है इन साइड की सरफेस क्या होता है, क्यू जीरो होता है, क्यू जीरो होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई डॉट ए, और मेरे पास क्या रहेगा, जीरो ओवर एप्सिलॉन आर। होल टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, और ई डॉट ए, एरिया कभी भी गाजियन सरफेस का जीरो नहीं हो सकता, आपके सामने ही है। तो फिर क्या चीज होगी, जब दो चीजें जीरो के इक्वल हो रही हो तो इसका मतलब दोनों में से एक ना एक चीज क्या है, जीरो के क्या है, इक्वल है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। जहां से मैं एक और कंक्लूजन पे निकला हूं कि कोई भी हालो चार्ज फेयर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, एक। दूसरा, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज नहीं पड़ा हुआ तो उस सरफेस का फ्लक्स भी नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, किस चीज को डिस्कस करने लगे हैं, ग्राफ को, ग्राफ ऑफ हालो चार्ज स्फीयर। एक हालो चार्ज है अंदर से खाली है, उसका जो स्फीयर है, ठीक है, उसका जो स्फीयर, उसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस के लिहाज से फाइंड आउट करना है। देखिए जरा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम पढ़ गए जीरो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर। ये आर कोई डिस्टेंस हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहर वाला आर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो अंदर वाला ग्राफ का पोर्शन क्या रहेगा, खाली। कब तक जीरो, जब तक क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर ना हो जाए, यानी कि ये वाला आर इस आर के क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। जैसे ये इक्वल हो जाएगा उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे जैसे इस हालो चार्ज स्फीयर से दूर जाते जाएँ तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये उसका क्या है, ग्राफ। इसी तरह ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, ये खाली नहीं है, टोटली अंदर से क्या भरा हुआ है, चार्ज से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर मैंने तीन सरफेसेस लेट की हैं, एक इसकी अपनी सरफेस, एक अंदर वाली सरफेस जिसे मैंने क्या लेट कर लिया, आर डैश,
और एक आउटर सरफेस जिसे मैंने क्या किया, आर लेट किया, आउटर गाजिन सरफेस, इनर गाजिन सरफेस। अच्छा जी, अब हमारे पास इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1/4πε0Q r/r³। ये वाला आर क्यूब और ये वाला क्या है आर, ये वाला आर वेरी करेगा, आप इधर ले रहे हैं पॉइंट, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, तो ये वाला आर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसको आर डैश कह लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन साइड द स्फीयर का ग्राफ बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, जितना दूर जाते जाएंगे बाउंड्री के पास उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर आर डैश और आर क्या हो जाएगा, इक्वल, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0Q/r, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्केयर के क्या है, इनवर्स है। तो बिल्कुल ये वाला ग्राफ आपके पास दोबारा बनेगा इनवर्सली, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आप स्फीयर से, आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जी, हमारे पहले दो चीज़ें तो मुकम्मल होगी, गाज़ीज़ लॉ उसकी एप्लीकेशन, अब हम उसका क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ हल करेंगे। क्या चीज़ हल करेंगे, एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ देखिए ज़रा, द सरफेस इनक्लोजिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, एक सरफेस है उसमें पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और उसमें क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल। अब पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव पर एंड हो जाएगी और इस सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्लियर हो गया, तो इसके ऑप्शन क्या है, ए जीरो है, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव और डी क्या है, जीरो। तो नेट फ्लक्स कोई भी सरफेस हो उसके अंदर क्या है, डाइपोल के अंदर पड़ी हो तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। अच्छा देख, इफ द फ्लक्स ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर क्लोज सरफेस है तो उसका जो है, क्लोज सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, इफ़ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स क्या है, क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, इज इक्वल टू एवरीवेयर ऑन अ सरफेस, चार्ज जीरो होगा इनसाइड द सरफेस। ठीक है, और ई यूनिफॉर्म थ्रू आउट द क्लोज सरफेस और क्यू जीरो आउटसाइड द सरफेस। गाज़ीज़ लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन आपने पढ़ी, उसमें चार्ज इनसाइड क्या हुआ था, जीरो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, इफ़ द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्लोज सरफेस इज जीरो, तो फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि इनसाइड द सरफेस में जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, अ हालो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है, 10 सेंटीमीटर इज अ गिवन अ चार्ज ऑफ 3.2×10⁻¹⁹ कूलम। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। ठीक है, स्टेटमेंट जरा समझ लें, ये मेरे पास एक हालो स्फीयर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है कहता है, और उसके ऊपर इतना चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर इतना चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, बाहर, ठीक है, कहते हैं कि सेंटर से अगर 4 मीटर डिस्टेंस पर जाएं, कितने, 4 सेंटीमीटर सेंटर से, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो आपने पढ़ा है कि अगर 4 सेंटीमीटर इनसाइड द स्फीयर आ रहा है तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो बगैर सॉल्व किए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड भैया, मेटेलिक स्फीयर जो होता है उसको मैंने प्लेस रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो कौन सी डायग्राम क्या है, करेक्ट है। देखिए जरा, सबसे पहले स्फीयर में से फील्ड लाइंस नहीं गुजरती, मेटेलिक कंडक्टर में से फील्ड लाइंस पास नहीं करती, तो किस किन दो में से पास है, तीन में से, ये तो पहले नंबर पे गलत हो गया ना, इसमें से नहीं पास कर रही, इसमें से नहीं पास कर रही और इसमें से नहीं पास कर रही। और दूसरा ऑप्शन क्या है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटेलिक स्फीयर के परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाली देखिए जरा, ये बिल्कुल एंटर हो रही है सरफेस के, बिल्कुल एंटर होगी, क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें से परपेंडिकुलरिटी नहीं है, इसमें से परपेंडिकुलरिटी नहीं है, एक तो इनवर्ड उसकी तरफ क्या होंगी, बैंड होंगी, इसमें बैंड हुई है ना, इसमें बैंड हुई है ना, इसमें बैंड हुई है,
और दूसरा क्या है, वो सारी की सारी क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर होंगी सफेयर के। तो कौन सा हमारे पास हमारा आंसर क्या हो, ठीक हो, ये वाला यूज है, इफ वन पेनिट्रेट आ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल क्लाउड। ये कोई चार्ज स्फेरिकल क्लाउड है, इसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है, मूव कर, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज डायरेक्टली फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंटर। जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाएंगे, ठीक है, उसके डायरेक्टली डिक्रीज होगी, ठीक है, सेंटर से हम बाहर की तरफ आएंगे तो डायरेक्टली क्या होगी, डिक्रीज होगी, ई इंक्रीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जब हम बाहर की तरफ निकलेंगे तो ई इंक्रीज होगी या ई रिमेन कॉन्स्टेंट है या नन ऑफ दीज। हमने अगर इसका फार्मूला अभी पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन आर आर ओवर आर ओवर आर क्यूब, आर क्यूब ये आर और ये वाला आर जो है ये वाला आर। जैसे कि हम सेंटर से आए आते जाएंगे तो ई डायरेक्टली किसके है, आर के, तो इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड विल भी क्या होगी डायरेक्टली, या तो क्या होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस सेंटर से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, ई आर के इंक्रीज होने से ई भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए जरा इसका एमसीक्यू, ये वाला करेक्ट होगा, द सरफेस डेंसिटी ऑन अ कॉपर स्फीयर, ऑन अ कॉपर इज सिग्मा, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा देख लेते हैं गाजीज लॉ, ई डॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कि चार्ज जो सिग्मा होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए, इधर क्या आ जाएगा, ई ए, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर, ए ए से कट गया तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन आर। तो किसी भी स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा ओवर क्या होगी, एप्सिलॉन आर होगी। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, ये वाला। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि उनको फ़ायदा हो। यही एंट्री टेस्ट है, मैंने इसी तरह पूरा एंट्री टेस्ट पढ़ा देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।